जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, पीएम मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली। पाकिस्तानी मीडिया इस पर पूरी तरह से जला भुना बैठा है कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। क्वेश्चन ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो हल्फ उठा रहे हैं, थर्ड टाइम कंसेक्टिव, बहुत बड़ी बात है जी। 1.4 बिलियन लोगों को अपनी कहानी सुना के उनका इलेक्टेड लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सेप्टेबल लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर आना बहुत बड़ी बात है। आज का दिन एक तारीखी दिन है और आज का दिन वो दिन है कि जब भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब तीसरी मरतबा जो कि वजीर आजम बनने लगे हैं और वो अपने ओहदे का हल्फ उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को बुलाया क्यों? कारण क्या था इनको बुलाने का कि साहब आप आइए और आप भारत के प्रधानमंत्री के जो इनॉग्रेशन है, ओथ टेकिंग सेरेमनी, आप उसका हिस्सा बनिए। ऐसा क्यों है? नेबरहुड फर्स्ट भी एक पॉलिसी है भारत की कि जो हमारे पड़ोसी हैं उनको सबसे पहले हम प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रेड आपके पड़ोसियों के साथ होनी चाहिए। कि नरेंद्र मोदी साहब ओथ ले रहे हैं, ठीक है जी, और उनके लिए जारी बात है वो अपनी कैबिनेट बना रहे हैं, उनको लोग चाहिए, और डॉक्टर जयशंकर इज द फेस ऑफ इंडियाज डिप्लोमेसी। कि नरेंद्र मोदी साहब इज बैक विद हिज की प्लेयर्स, उनकी कैबिनेट में वो तमाम की प्लेयर्स शामिल हैं जो पहले उनके साथ होते थे। ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो हल्फ उठा रहे हैं, थर्ड टाइम कंसेक्टिव, बहुत बड़ी बात है जी। 1.4 बिलियन लोगों को अपनी कहानी सुना के उनका इलेक्टेड लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सेप्टेबल लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर आना बहुत बड़ी बात है। आप नरेंद्र मोदी की 50 चीजों से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन आप ये माने कि नरेंद्र मोदी को समझ है कि मैंने इंडिया को लेके कैसे चलना है। और हार्वर्ड ग्रेजुएट राहुल गांधी वो स्टोरी नहीं सुना सके। देखिए, इस स्टोरी टेलिंग ना, ये तरीका कार है आपका, आपने दुनिया को बताना है कि हम क्या कर रहे हैं। आज का दिन एक तारीखी दिन है और आज का दिन वो दिन है कि जब भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब तीसरी मरतबा जो कि वजीर आजम बनने लगे हैं और वो अपने ओहदे का हल्फ उठा रहे हैं। मुझे पता चल गया कि आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है, मैं यही देख रही थी। तो जनाब, आज का दिन एक तारीखी दिन, एक हिस्टोरिक मोमेंट, ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि दुनिया भर की डेमोक्रेसीज के लिए, दुनिया भर की जमहूरियतों के लिए। ये वो दिन है कि जब नरेंद्र मोदी थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने लगे हैं। आज उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी में, जहाँ 7 से ज़्यादा कंट्रीज के लीडर्स भारत पहुंच चुके हैं जो कि ये सेरेमनी अटेंड कर, 8 से 9 हज़ार लोगों की ये गैदरिंग है। इसमें सिर्फ ये नहीं है कि बार बार बात की जा रही है कि दुनिया भर के लीडर्स आ गए और दुनिया भर के लीडर्स के साथ हो रहा है, ऐसा नहीं है, बल्कि इसके अंदर 9 हज़ार लोग शामिल होंगे इस गैदरिंग में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो स्वेरिंग इन सेरेमनी हो रही है, ठीक है जी, इसमें एक तो चलो डॉक्टर जयशंकर जो हैं उनको सेकेंड टर्म के लिए कहा जा रहा है, द बेस्ट चॉइस फॉर इंडिया, देर कैन नॉट बी अ बेटर पॉलिटिशियन, अ डिप्लोमेट टर्न पॉलिटिशियन हु कैन लीड इंडिया और हु हैज बीन टेलिंग इंडिया स्टोरी सो सोबरली, इंतहाई एक अच्छे कॉन्फिडेंट अंदाज से, एक अच्छे तरीके से इंगेज कर रहे हैं दुनिया को। और मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी की जितनी भी फॉरन पॉलिसी का जो चेहरा है वो जयशंकर है, ये मैंने पहले भी कहा है, ये फिर कह रहा हूं कि इतना तगड़ा फॉरेन मिनिस्टर, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतना तगड़ा मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर जिसको पता है कि मैंने अपनी पार्टी, मैं जिस पार्टी से हूं उसका क्या मिशन है, क्या मैनिफेस्टो है, क्या बोलना है, क्या लिखना है, क्या करना है, ठीक है जी। अब देखें, एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि
नेबरहुड, ये किसका विजन है नेबरहुड? ये जयशंकर का, ऑब्वियसली पार्टी का विजन भी होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अमित शाह साहब और राजनाथ सिंह साहब ऐसे लोग जो हैं, इनकी ये बाउंड्रीज हैं, वो एक डोमेस्टिक उसमें रहते हैं, उससे शायद वो पायर नहीं लंबा चौड़ा निकलता। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि सेवन कंट्रीज के लीडर्स तो हैं ही, डिग्निटरीज तो हैं ही, लेकिन मोदी साहब ने एक ऐसी बात की है जिस पे उनको सल्यूट। आपको पता है कि उन्होंने किन किन लोगों को बुलाया है इसके अंदर? इसके अंदर हैं जनाब रेलवे एम्प्लॉयज जिनको इनवाइट किया गया है, इसके अंदर है वंदे भारत और मेट्रो ट्रेन्स के एम्प्लॉयज, इसके अंदर हैं सैनिटेशन वर्कर्स जो ये सेरेमनी अटेंड करने आ रहे हैं, इसके अंदर ट्रांसजेंडर्स, लेबरर्स, मजदूरों को, स्टाफ को, विस्किट भारत के तमाम जो एम्बेसडर्स हैं उनको, और गवर्नमेंट स्कीम्स में जितने लोग जिसको हम कहते हैं कि डिप्राइव्ड कैटेगरी, एक ऐसे लोग जो आम तौर पर जिनको लिफ्ट नहीं करवाई जाती, जिनको बात नहीं की जाती, वो तमाम लोग भी इस सेरेमनी में शामिल हो रहे हैं। तो सबसे ज़बरदस्त बात इस सेरेमनी की मुझे ये लगी, आपके लिए हर एक के लिए कुछ ना कुछ अच्छी बात इसके अंदर होगी, लेकिन मैं इसको जैसे देख रही हूँ उसके मुताबिक मुझे ये बात बहुत ही अच्छी लगी कि उन्होंने उन लोगों को देखिए नहीं छोड़ा, उनको वो याद करना नहीं भूले कि जिसके लिए जो है वो सारा काम करते हैं, असल में तो इन्हीं के लिए काम किया जाता है ना जनाब। तो ये है सिचुएशन कि नरेंद्र मोदी साहब इज बैक विद हिज की प्लेयर्स, उनकी कैबिनेट में वो तमाम की प्लेयर्स शामिल हैं जो पहले उनके साथ होते थे, क्योंकि बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी साहब ने उनके जो कॉलिशन गवर्नमेंट में लोग शामिल हैं उनके साथ उनको ये बता दिया है और वो मान भी गए हैं इसके ऊपर कि जो की मिनिस्ट्रीज, जो कि सिक्योरिटी का मामला है, जो मुल्क की इकोनॉमी का मामला है, जिसको मुल्क को आगे लेकर चलना है, वो मिनिस्ट्रीज हम अपने पास रखेंगे। और उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं है, बीजेपी ने अपने पास जो मिनिस्ट्रीज रखी हैं उसके अंदर होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री और कुछ और भी बड़ी अहम मिनिस्ट्रीज जो हैं वो उनके पास मौजूद हैं। इसमें जो मिनिस्टर्स जो कि की प्लेयर्स हैं उनके, वो उनके साथ वापस आ गए। तो जिन लोगों के नाम हमारे सामने मौजूद हैं, यानी जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये लोग उनकी अब उनके साथ हैं और मिनिस्ट्री में, यानी कि कोई ना कोई मिनिस्ट्री, कोई ना कोई क्या, वही मिनिस्ट्री जिसके वो मिनिस्टर थे उनको मिल रही है और कैबिनेट में शामिल होंगे, उनमें पहला नाम है डॉक्टर जयशंकर का। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के तौर पर डॉक्टर जयशंकर को आप देखेंगे कि वो एक बार फिर नरेंद्र मोदी साहब के साथ आ रहे हैं। और जब डॉक्टर जयशंकर वापस आ रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी। भारत की फॉरेन पॉलिसी वही होगी जो इससे पहले मोदी साहब के दो अदवार में रही, तीसरे दौर में भी वही फॉरेन पॉलिसी इनकी रहेगी। बल्कि जब आज ही के दिन नरेंद्र मोदी साहब ने अपने कुछ मिनिस्टर्स को, अपने साथियों को अपने घर पर बुलाया, वो उनके घर पहुंचे तो जो बातचीत हुई है उसके अंदर जो पब्लिश हो रहा है उसमें ये कहा गया है कि उन्होंने अपने साथियों से ये कहा है कि फोकस ऑन अनफिनिश्ड एजेंडा। मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ली और दोस्तों 120 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसी के प्रधानमंत्री, किसी के राष्ट्रपति, भारत में आए हुए किसी के विदेश मंत्री, तो बहुत बड़े बड़े 120 देशों के नेता, ये कोई मामूली बात नहीं है। और भारत के जितने पड़ोसी मुल्क हैं पाकिस्तान को छोड़कर सभी देशों से को नौता दिया गया है और सभी लोग आए हुए हैं। और जैसे ही मोदी जी ने पिछले 10 सालों में काम, अच्छे काम किए हैं, ऐसे ही कामना करते हैं आने वाले 5 सालों में अच्छे काम करें और उनके पूर्ण बहुमत से सरकार आने वाले टाइम में।